नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे SSC GD 2023-24 में जो वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि इस बार वैकेंसियों की संख्या बहुत ज़्यादा है, 80,000 के करीब वैकेंसी है, तो आप कैसे तैयारी करें कि आपका 80 में 60 प्लस आसानी से आ जाए। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि सिलेबस क्या है, और सिलेबस में आपको सबसे पहले देखना होगा कि हिंदी, GK, मैथ और रीजनिंग, इन चारों सेक्शन से किस किस टॉपिक से, किस किस सिलेबस से और किस किस टॉपिक से, किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो आज हम उसी पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम आज केवल बात करेंगे हिंदी पे। आज हम केवल हिंदी पे बात करेंगे कि हिंदी से किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं और किसके क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज अगर बात करें हिंदी में, तो हिंदी में प्रमुख 7 चैप्टर हैं। अब इन 7 चैप्टर में पहला है विलोम। आप किसी भी साल के एग्जाम को उठाइए तो विलोम से 2 से 3 सवाल आए ही हैं। आप किसी भी साल के पेपर उठाइए, 2 से 3 सवाल आए हैं। दूसरा, समानार्थी अथवा अनेकार्थी, दोनों एक ही होता है, समानार्थी या फिर अनेकार्थी में भी आप देखेंगे तो 2 सवाल आए ही हैं। तीसरा होता है वर्तनी अथवा वाक्य शुद्धि, इससे आपके लगभग 4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें दे देगा कि अभी आप, मैं एक क्वेश्चन देखा हूँ, उसमें दिया था मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ये ऑप्शन हो गया पहला। दूसरा ऑप्शन है मेरे घर के पास एक दुकान है हलवाई की, हलवाई की दुकान मेरे घर के पास है, तो इस तरह के सवाल आते हैं दोस्तों। उसको आप अरेंज करना रहता है कि किस तरह से किया जाए, और इसी में सवाल आते हैं। जैसे दे देगा कि महात्मा बुद्ध, ये हो गया ए, एक बहुत बड़े महान व्यक्ति कोई थे, महान व्यक्ति थे, यही लिख दीजिए, और लास्ट में दीजिएगा कोई त्रुटि नहीं। ये हो गया बी ऑप्शन, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब इसमें पूछेगा किस में त्रुटि है, तो महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़े महान व्यक्ति थे, तो इसमें क्या आपको लग रहा है, एक बहुत बड़े, यहाँ सीधे सीधे हो सकता था महात्मा बुद्ध महान व्यक्ति थे, बहुत बड़ा लगाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, जब वो महान हो ही गए तो उसमें बहुत क्या होता है, जो महान है वो महान ऑलरेडी है, उसमें बहुत छोटे इसमें कोई ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों, इस तरह से भी सवाल बनते हैं, तो वो वाक्य शुद्धि या वर्तनी शुद्धि में भी आ जाएगा। इस तरह से आपके 4 सवाल लगभग आते हैं। अब चौथा बात किया जाए तो पर्यायवाची, इससे भी 2 सवाल आए ही हैं। आप प्रीवियस ईयर के देख लीजिए, मैं 64 प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर चुका हूँ और लगभग सब देख चुका हूँ, तो इसी पैटर्न में सवाल आए हैं, और उम्मीद है कि अगली बार भी इन्हीं से सवाल आएंगे। पांचवा आपका आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी आपके 2 क्वेश्चन कंफर्म है। और छठा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति में कैसे आता सवाल दोस्तों, बताते हैं। जैसे आपको दे देगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, देगा आम के आम के दाम। अब यहाँ आपको 4 ऑप्शन दे देगा कोई, तो आप अगर पढ़े रहेंगे तो आपको लगेगा ही आम के आम गुठलियों के दाम। इस तरह से सवाल आते हैं रिक्त स्थान प्रति, जिसमें 3 सवाल लगभग होते हैं। तो दोस्तों, ये रहे हमारे टॉपिक, और इसके पहले जब 25 क्वेश्चन आते थे तो उसमें एक और चैप्टर रहता था, एक और टॉपिक रहता, जैसे गद्यांश। चूंकि क्वेश्चन अब कम हो गए हैं, इसलिए अब गद्यांश वाला हटा दिया गया है। 20 क्वेश्चन है, तो इसलिए इन्हीं 6 टॉपिक्स आते हैं। अगर आप एक दिन में भी अगर चाहेंगे तो एक एक चैप्टर आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये रही हिंदी की स्ट्रेटजी। अब इसमें क्या करना है हमको, तो सबसे पहले आपको कोई ऑथेंटिक बुक ले लेनी है, जैसे अगर आप चाहे तो आदित्य पब्लिकेशन से भी विलोम अपने तैयार कर सकते हैं, लेकिन आदित्य पब्लिकेशन में विलोम की संख्या बहुत ही कम है। अगर आपके पास कोई और बुक हो, जैसे लुसेंट की बुक हो, तो वो ले लीजिए, या फिर
हरदेव भारी, इसमें आपको लगभग 2000 विलोम आपको मिलेंगे, पर्यायवाची लगभग 2500 पर्यायवाची है इसमें। ये बुक सबसे ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, UPSC के लेवल की है बुक। अगर आप इससे तैयारी करेंगे तो आपके विलोम, समानार्थी, वाक्य शुद्धि, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के शब्द, रिक्त स्थान की पूर्ति, जितने भी क्वेश्चन आएंगे, अगर 20 क्वेश्चन आ रहे तो 18 क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे, किताब में से। तो अगर आपके पास आदित्य पब्लिकेशन है तो उससे भी आप पढ़ सकते हैं। अगर आप नई पुस्तक लेने के लिए सोच रहे हैं तो हरदेव भारी के लीजिए, 250 से 300 में आ जाएगी। दोस्तों ये तो गई हमारी बुक की बातें, अब हम बात करें कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, क्या शुरुआत करें कि हमारा 20 में से कम 18 आए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको वीकली टेस्ट लगाना है, वीकली टेस्ट लगाना है, उसमें आपको देखना है कि हिंदी में कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपके 15+ सही हो रहे हैं तो आपको टेस्ट लगाते रहना है और एनालिसिस करते रहना है, वही काफ़ी है। लेकिन अगर आपके 15 से कम आ रहे हैं तो आपको भी पढ़ने की ज़रूरत है। आप विलोम पूरा तैयार करिए, उसके बाद आप पढ़िए पर्यायवाची, अनेक शब्दों के शब्द, रिक्त स्थानों की पूर्ति, इन चारों को कंप्लीट करिए। चूँकि विलोम ज़्यादा है नहीं, आप 500-600 विलोम याद कर लेंगे तो उम्मीद है कि उसी में से क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले विलोम पढ़ेंगे, 5 दिन मैक्सिमम है, विलोम खत्म हो जाएगा। पर्यायवाची, पर्यायवाची में भी 5 दिन बहुत है, अनेक शब्दों के एक शब्द आप 4 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति 2 दिन में भी कंप्लीट हो जाएगा। तो 1 महीने का टारगेट बना लीजिए, 1 महीने का सोचिए कि हमको पूरा कंप्लीट करना है। तो 1 महीने में आप इतना कंप्लीट करने के लिए सोचिए। दोस्तों इसके बाद क्या करना है, अगर आपके सभी कंप्लीट हो जा रहे हैं उसके बाद आपको फिर लुसेंट से या आदित्य पब्लिकेशन से ही प्रैक्टिस करना है। इन्हीं चैप्टरों के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं उन्हीं को आपको बार बार लगाना है। आपको बार बार क्वेश्चन जब लगाएंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, तो वो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। हो सके तो आप जितने भी PYQ हैं, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी आए हैं आपके SSC GD के 2018 से लेकर 2021 तक जितने एग्जाम हुए हैं उसका पेपर आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल पे आसानी से मिल जाएगा। और उसमें जितने भी आए हैं आपके हिंदी के सवाल, पहले 25 आते थे फिर बीच में 20 आने लगे, आपके जितने भी क्वेश्चन आए हैं उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। विलोम का एक अलग सेक्शन बना के उसको नोट करिए, पर्यायवाची को अलग नोट करिए, अनेक शब्दों के एक शब्द उसको अलग नोट कर लीजिए, और कोशिश ये करिए कि उसको याद कर लीजिए, ताकि अगर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से कोई सवाल आए वो आपके गलत ना होने पाए। तो इस तरह से अगर दोस्तों तैयारी करेंगे तो 18 क्वेश्चन आपके 100% सही हो जाएंगे। और अगर 18 क्वेश्चन आप हिंदी से लेते हैं तो 15+ क्वेश्चन रीजनिंग में भी हो जाएंगे आपके। अगर 10 क्वेश्चन भी GK में हो गए और 10 क्वेश्चन मैथ में हो गए तो 15, 10, 25, 10, 35 और 18, 8, 5, 3, 53 नंबर तो इसी तरह से आ जाएंगे। अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आपका सिलेक्शन तो 100% इसी में हो जाएगा। लेकिन अगर आपको UP, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान इस तरह के ज़िलों के हैं, इस तरह के राज्यों के हैं और बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट नहीं है आपका, तो आपको GK मैथ में आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना नंबर, ताकि अगर आपके 60+ हो जाएं तो उम्मीद रहे कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। तो दोस्तों ये रही हमारी हिंदी की स्ट्रेटजी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। इसके बाद हम बात करेंगे GK मैथ रीजनिंग अलग अलग सेक्शन के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।